आज आज मैं बनाने वाला हूँ हनी एंड सनी किचन में कोई रेसिपी साइलेंट कॉपीराइट नहीं आएगा। कैसे हो सम्राट हो, कल का वीडियो मजेदार था ना? मुझे मालूम है काफी मजेदार लगा आप लोगों को। और एक चीज मैं बताऊं आपको, अगर मैं राहुल गांधी जी का या मायावती जी का या खुद स्वयं मोदी जी का फोटो लेके भी अगर मैं सड़कों पे उतर जाता ना तो अभी रिजल्ट 100% नहीं आता, ये मुझे पता है। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं जानते होंगे कि कौन है, क्योंकि उनको यार रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है, वो क्या जानेंगे राजनीति क्या चल रही है और कौन हमारा देश का प्रधानमंत्री है। बेचारे मजदूरी करके दो टाइम का खाना जैसे तैसे वो जुटा पाते हैं, और यकीन नहीं होता ना तो आप खुद जाके देना गांव वगैरह या ऐसे मोहल्ले जहां गरीब लोग रहते हैं मजदूर लोग रहते हैं वहां जाके ट्राई करके देख लेना। और जहां तक 100 उभरते हुए लोगों में चंद्रशेखर भाई का नाम आना, ये सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप मानो या ना मानो, क्योंकि एक समय में जो है मायावती जी भी है ना टॉप 10 में आ गई थी, और वो जमाना कुछ और था, आज जमाना कुछ और है, और मुझे लगता है कि एक बेहतर नेता हमें देखने को मिल सकता है। देखो ये मैं हूँ और ये हमारा ऑफिस है और यहाँ पार्टी हो रही है। भाई साहब कल का वीडियो जो है वायरल हो गया इतनी शोर में, मतलब हमारा रोड का माइक भी इतना अच्छा काम नहीं करता लेकिन इस माइक ने कितना शानदार काम किया, ध्यान नहीं दिया होगा कि पता नहीं चला हुआ, लेकिन मैंने रोड का जो फुटेज देखा ना तो उसमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बिल्कुल भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं पास वाले सीन में भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा ढंग से, क्योंकि शोर बहुत हो रहा था ना, रोड का शोर बहुत हो रहा था, रोड का माइक काम नहीं कर रहा है। वो उसका एक अलग फंक्शन है ना, वो है शांत जगहों के लिए क्लियर आवाज के लिए, लेकिन ये जो है ना भाई गजब का काम किया इसने। अभी है ना लगभग 4:30 बज रहे हैं, मैं लेट हूँ और उसका कारण कौन है पता है? ये व्यक्ति जो यहाँ एडिटिंग कर रहा है, कल इसने मुझे ऐसे गोलगप्पे खिलाए ऐसे लाल मिर्ची वाले कि है ना बस सुबह से मैं बाथरूम में ही था। भाई साहब देखो मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, गीता पे याद रखे कसम खाता हूँ, गीता के ठीक है, मैं गीता पे याद रखे कसम खाता हूँ ठीक है, गीता का पति वो ना बताओ कौन सी गीता कौन सा पति, जबरदस्ती तो पवाई नहीं थी मोहम्मद दरगे ना इंजो तो नहीं दरी थी किस पियो। तुमने बोला था कि चलो पियेंगे अपन उसको और खा पी के देखते कैसे लग, वीडियो देखना आपको तो सनी के चैनल पे जाके देखना। अपना हाजमा खराब है तो थोड़ी जीप पे लगाम लगाना पड़ेगी भाई साहब, वो उसमें लाल मिर्च ऐसे भर के उसने टिक्की में डाल के ऐसे पिला रहा था वो मालूम है, तभी मैंने सिर्फ 2 पीने के बाद है ना हाथ जोड़ लिए थे कि मुझे नहीं पीना। तो आज हम दे रहे हैं कुछ सवालों के जवाब जो हमने ट्विटर और यूट्यूब कमेंट टैब में पूछे थे। तो पहला जो सवाल है ना, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब जो किताब ताइवान से आती थी ये वाली जिसका मैं काफ़ी ज़्यादा प्रचार करता था वो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आपको ये पता ही होगा कोरोना चल रहा है और पिछले 1 साल से है ना ये सारी किताबें ताइवान से जो भी आती थी भारत के लिए उनको बंद कर दिया गया है, मतलब आप चाह कर भी वो किताबें वहाँ से वो पोस्ट नहीं कर सकते, मतलब अगर वो चाहेंगे भी ना कि हमें किताबें भेजनी है तो भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनने इंडिया भेजने से चीज़ों को बंद कर रखा है। दूसरा सवाल है हिमांशु गौतम का, भैया आपके पास जो 2 माइक बचे हैं वो कब दोगे? तो कल है ना एक बहुत बड़ा सा मजाक हो गया था, भास्कर को जो पहला माइक दिया था ना वो गलती से कैश ऑन डिलीवरी हो गया, हमने कुरियर में ऑप्शन होता है कि आप प्रीपेड भेजोगे या कैश ऑन डिलीवरी, वो ये बोल रहा था कि भैया मुझे 1800 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा क्या, मैं नहीं तो पागल है क्या, बोलते नहीं भैया वो कुरियर वाले को फोन आया बोल रहे 1800 रुपये तैयार रखना। तो हमने है ना क्या किया था कि हमने उसको गलती से COD कर दिया, उसमें एक कैलेंडर था जो लगभग जिसकी कीमत 200 रुपये है और जो माइक था वो लगभग 1700-1800 रुपये का था, बचे हुए माइक है ना उसके बारे में हमने डिसाइड कर लिया है, उसमें से एक व्यक्ति हमारा कंफर्म है, अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि सच में उसको ज़रूरत है कि नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर चैनल, मेरा वीडियो कहीं शेयर नहीं किया तथागत लाइव पर शॉपिंग कैसे करें? अच्छा इनने वीडियो बनाया था, मेरे दिमाग से निकल गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, अभी फटाक से शेयर कर रहे हैं पक्का आओ। तो ये वो है द अम्बेडकर चैनल और हमने यहाँ से कर दिया है शेयर और क्रिएट पोस्ट THANKYO थैंक यू डाल दो मैं नहीं निकल पाऊंगा दिक्कत ये हाँ जी गाड़ी देख रहे हैं। अच्छा अच्छा कहाँ से आए आप? झांसी से। झांसी से
चलिए ठीक है फिर मिलते हैं, जय भीम। तो ये हमारे जो है एक सम्राट थे जो हमसे मिलने के लिए आए थे, बहुत दूर से काफ़ी परेशान लग रहे थे, लेकिन बस यही बोलना चाहता हूँ कि समस्याओं में निकल गया, समस्याएं तो बहुत आती रहेंगी, बस आपको क्या है उनसे लड़ना होगा, इसलिए मैंने उनका चेहरा भी ब्लर कर दिया क्योंकि बहुत सारी समस्याएं उन्होंने बताई। मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कोई और एक नई समस्या खड़ी हो जाए। अगला सवाल है, सर आपके 17 लाख के लोन का क्या हुआ बताएं। तो देखिए समस्याएं जैसे इनकी थी ना, वैसे हमारे साथ भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, ऊपर चल के बताते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि है ना, जो ICICI बैंक था उनने हमें सेंक्शन लेटर दे दिया था, और सेंक्शन लेटर देने के बाद उनने ये बोला था कि कुछ एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप जमा करवा दीजिए। ICICI बैंक के लगभग सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, लेकिन कुछ एक ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो कहीं से कहीं तक वैलिड ही नहीं है। मतलब जिस प्लॉट पर हम कंस्ट्रक्शन कराने की सोच रहे थे ना, उसका डाइवर्शन मांग रहे हैं, बल्कि डाइवर्शन होता है खेतों का, प्लॉटों का नहीं होता। और जो हुआ भी है वो कई साल पहले हुआ होगा, हमें पता भी नहीं कब खेत से प्लॉट बने हैं। तो वो डाइवर्जन की कॉपी हमें मिल नहीं पा रही है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि वो जानबूझ के जो है ना, वो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे थे जिस वजह से हम परेशान हो गए। उनसे बोलते कि भाई साहब आप करवा दो और 1-1.5 लाख रुपए आप रख लेना, जो ऐसे ही होता है लोन में। तो जितने लोगों ने आज तक लोन कराया होगा उनको ये बात पता होगी कि लोन वाले यही करते हैं, आपको परेशान करते हैं। और जब आप परेशान होकर उनसे ये बोल दोगे कि है ना ये डॉक्यूमेंट हम तो नहीं करवा पा रहे, तो वो आपसे बोलेंगे भैया 1-1.5 लाख रुपए या 2% दे दो, सारा काम करवा देंगे हम। तो मैं इन सबसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, और मैं ICICI बैंक में जाके कंप्लेन करने वाला हूँ आज या कल, मैं कर दूंगा कि इस तरह से परेशान किया जा रहा है। तो वो लोन जो था वो अभी भी सेंक्शन है, लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं है। स्टूडेंट का यार पूछ रहे हैं, भाई गर्मी में पहनने वाली टी शर्ट कब तक आएगी तथागत लाइव पर? बहुत जल्दी आने वाली है, डिज़ाइन हम लोग ऑलमोस्ट फाइनल कर चुके हैं, और डिज़ाइन तो अपना पहले से ही फाइनल है ना यार, वही वाला बस सैंपल आएगा, वो सैंपल आ रहा है हमारा, है ना आ रहा है ना, तो सैंपल मंगवा लिया यानी ने। कार्तिक का सवाल है, सर मैं एक क्लोथ होलसेलर हूँ, क्या आप मेरे प्रोडक्ट को अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पर सेल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, आप अपना नंबर जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, या फिर इस नंबर पर कॉल करिए, ये अंकित का नंबर है और इस सारी डीलिंग जो है वो अंकित करता है। अंजलि गौतम पूछ रही है, भैया इंग्लिश ग्रामर की बुक कब ऑनलाइन आ रही है? देखिए हमने उनको बोल दिया है, सब कुछ बता दिया है, बस वो किताबें वहाँ भेजने में कुछ समय लग रहा है, कोई भी टेक्निकल कारण है, तो जैसे ही वो किताबें हमारे पास आएंगी इंग्लिश ग्रामर की, वो आपको सेल होना स्टार्ट हो जाएंगी। मनोज पांडे पूछ रहे हैं, भैया नागपुर कब आ रहे हो? बहुत जल्दी आने वाले हैं। और शॉपनील बोल रहे हैं कि टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड की लिंक दीजिए, तो वो लिंक जो है वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उठा लीजिएगा। अक्षय ज़्यादा बोल रहे हैं, जय भी मंजुल भैया, आपके वीडियो से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, आपके नेक्स्ट ब्लॉग में प्लीज़ मेरा नाम लेना। अक्षय यादव कल्याण महाराज, जय भीम नमो बुद्धाय। तो अक्षय यादव मैंने आपका नाम ले लिया है, और आप लोग की वजह से ही हम लोग हैं। एक एक सवाल लेना है मुझे, एक सवाल ले, अरे मुझे एक सवाल लेना है, वो सीख ले, इतना सेटअप बना के बैठा हूँ मैं, रुक तो जा, दो मिनट। दीपेन गौतम बोल रहे हैं, आप हमारा सवाल लेते ही नहीं हो। अरे यार दीपेन सवाल पूछो तो सही, ये लिखते रहोगे जब आप लोग की सवाल लेते नहीं हो, सवाल लेते नहीं हो तो सवाल लूंगा कैसे, कुछ सवाल हो तो सही पहले। मंजेश महेश्वरी पूछ रहे हैं, एक सवाल है जो सवाल में बहुत सारे टाइम से है ना मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं बता जवाब नहीं देता हूँ उसका। तथागत बुद्ध के विचार को मानने वाले बुद्धिस्ट को मांसाहार करना चाहिए या नहीं? जिसमें बुद्धिज्म में क्या कहता है, बुद्धिज्म में क्या कहता है, देखिए मैं अब ये नहीं ड्रिल बताऊंगा बुद्धिज्म में क्या कहता है, लेकिन मैं अपनी राय बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि क्या मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ या वेजिटेरियन हूँ। तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, बस ये अपने चैनल पर उस चीज़ को नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि मैं चैनल का नाम का सम्मान करता हूँ। और अगर आप ऐसी जगह फंस जाओ, जैसे आप कोई आइलैंड में फंस जाओ जहाँ पे आपको वेज खाना मिले ही नहीं, तो क्या आप मर जाओगे? क्या नहीं मरोगे ना, आप पूरी कोशिश करोगे कि है ना उस चीज़ को कैसे भी वहाँ सर्वाइव कर लें। ये इंसान अभी तक है ना कई हजारों सालों से सर्वाइव करते करते यहाँ तक पहुँचा है, तो हर परिस्थितियों को देखते हुए आप अपना वो कर सकते हो। जैसे कोई एक एथलीट है, वो रोटी चावल खाकर है ना एथलीट नहीं बन सकता, उसको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, ये उसके लिए अनिवार्य है। तो ये चीज़ देखिए कि आप अगर उसके बिना रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रह सकते हो कोई भी कारण से तो आप खा सकते हो, आपकी इच्छा है। तो आज मैं बनाने वाला हूँ हनी एंड सनी किचन में कोई रेसिपी, साइलेंट कॉपीराइट नहीं है। तो आज मैं हनी एंड सनी किचन में कोई एक रेसिपी बना रहा हूँ, आपको देखना है तो हनी एंड सनी किचन को जाके सब्सक्राइब करो चैनल को। और ये जो भागता ही रहता है यार, इसका मुझे सेंटर में आना पड़ेगा, इधर आना सनी।
हाँ अब सही है। तो मैं हनी एंड सनी किचन में एक रेसिपी बना रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? अच्छा नहीं रेसिपी? हाँ भाई साहब कितने बड़ी बात है, भयंकर। अरे भैया और रेसिपी बना रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं, चलें। स्टार्ट करें। रेडी स्टडी एंड गो। मेरा जो मेन कैमरा जो है वो बंद हो चुका है और हमारा उसका चार्जर भी हमारे पास है नहीं, वो ऐसे नीचे पड़ा हुआ मुझे लग रहा है, तो कहाँ रखूँ। तो डिश मैंने बनाई है, मुझे पता नहीं कैसी लगी लोगों को, कैसी लगी? गजब, मजा आ गया, झकास। खराब बोलना ही मत, चैट एडिट कर दूंगा। नहीं नहीं जो चीज अच्छी बनी है ना भाई साहब उसकी तारीफ की जाएगी, तारीफ की जाएगी, मस्त बनी है, मजा आ गया। और हम लोग जा रहे हैं लखनऊ। कब जा रहे हैं? हम 24 को जो है लखनऊ जा रहे हैं और 25, 26 वहाँ रुकेंगे और 27 को वापस आ जाएंगे। तो जो लोग भी हमें वहाँ मिलना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि हमारी वीडियो जो है ना कभी कभी बहुत लंबी लेट डलती है, कई बार बहुत जल्दी डल जाती है, कभी सेम डे डाल देते हैं हम लोग और कई बार रात को 4 बजे डल रही है आजकल। हमारा पर्पस केवल वीडियो बनाना है और अपने काम से प्यार, ऐसा नहीं कि आप लोगों से प्यार नहीं करते, मिलना है तो अंजलि भैया ने बिल्कुल आपको बता ही दिया कहाँ पे हम मिल सकते हैं, आप सारे लोग इकट्ठे होकर के भाई ये की जगह हम मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग, अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, कीप सपोर्टिंग। ये अरंत है, ये आईना है और ये पावनी है, हनी की बेटी। कैसी है पावनी? अच्छी है, क्यूट क्यूट है पावनी तो। अरन नहीं है क्यूट, नहीं है ना अरन? अरन तो टकला है, अरन तो लगता है। और आयना? तो ना। आयना के दांत नहीं है, दिखाना आयना।